तो हम लोग घर आ गए थे और उसके बाद इतनी तेज स्नोफॉल हो गई है ना यहाँ पे. सो दिस इज द एंट्रेंस टू द मार्केट. सो अभी हम लोग जा रहे हैं ओल्ड टाउन. Hi guys, welcome back to my channel. So today's video is going to be a day in my life vlog. So aaj tha Saturday and I thought of filming a vlog because Saturdays have been quite busy and productive from the time I have moved to Poland. Sunday is a completely rest day for me because yahan pe Sunday ko sab kuch band rehta hai. So I make sure jo bhi mujhe kaam karne ho for the upcoming week, I do it on a Saturday. And because aaj ka din bahut busy hone wala tha, I wanted to start my morning in the slowest way possible. So I grabbed a glass of warm water and बालकनी के पास बैठ के आराम से बाहर देखते हुए मैंने अपना पानी पिया. उसके बाद आई डिड माई योगा प्रैक्टिस फॉर 30 मिनट्स. आई यूजुअली स्टार्ट माई डे विद अ योगा नाउडेज. मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह अर्ली मॉर्निंग योगा करना. बीच में मेरी प्रैक्टिस छूट गई थी बट आई एम सो ग्लैड टू बी बैक एट इट एंड आई रियली इंजॉय दिस टाइम. तो अभी मैं आई हूँ बाहर बालकनी में टू चेक द वेदर. सो आज यहाँ पे ना स्नोफॉल होने का चांसेस है. प्रेडिक्शन में दिखा रहा है अभी राइट नाउ द टेम्परेचर इज -3. इफ यू कैन सी बहुत फॉगी हो रहा है बाहर. सो व्हाई आई हैव कम आउटसाइड इज बिकॉज मुझे और अंकित को अभी थोड़ी देर में बाहर जाना है. यहाँ पे सैटरडे को ना एक ग्रीन मार्केट लगती है, फार्मर्स मार्केट. सो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आते हैं तो वो लेने के लिए हमें जाना है. यूजुअली तो मैं अपनी वेजीज यहीं पे सुपरमार्केट से ले लेती हूँ बट लास्ट वीक हम लोग वहाँ गए थे एंड अच्छा सामान मिला था. सो वी आर थिंकिंग कि हर सैटरडे हम वहाँ जाएंगे मॉर्निंग में. इट्स ऑलरेडी लेट, इट्स 10:15 राइट नाउ. सुबह उठ के मैंने अपना मॉर्निंग रूटीन योगा वोगा सब कर लिया और अभी मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी. बहुत ज़्यादा ठंड है बट अंदर ठंड नहीं है तो नहा लिया. नाउ आई एम गोइंग टू मेक ब्रेकफास्ट बट ब्रेकफास्ट में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊँगी अभी बिकॉज ऑलरेडी हम लोग लेट हो रहे हैं. सो आई एम जस्ट गोना मेक सम चौकोस फॉर हिम एंड देन वी विल हेड आउट. सो येस आई विल सी यू गाइज इन अ बिट. लेट मी प्रिपेयर सम ब्रेकफास्ट फॉर हिम. Standing underneath the lights. अंकित को चॉकोस दे दिए थे और उसके बाद 10 मिनट का टाइमर लगा के मैंने फटाफट थोड़ा सा रूम क्लीन किया एंड देन आई रिमेम्बर्ड कि कल मैंने गाजर का हलवा बनाया था तो वो बचा हुआ था. सो आई थॉट व्हाई नॉट हैव दैट फॉर ब्रेकफास्ट. सो मैंने उसको अवन में गर्म किया एंड देन आई केम आउट इन द बालकनी. इट वॉज सो कोल्ड एंड आई वॉज एन्जॉइंग माई गर्म गर्म गाजर का हलवा. यहाँ पे रेड वाली गाजर तो नहीं मिलती है तो मैंने ऑरेंज वाली गाजर से ही हलवा बनाया था लेकिन ठंड में गाजर का हलवा खाने का मज़ा ही कुछ और. सो वी आर ऑन आर वे टू द ग्रीन मार्केट. सो ये जो मार्केट है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्रेश प्रोड्यूस मिलता है. सैटरडे को ही लगती है जैसे इंडिया में अपनी लगती है ना सैटरडे मार्केट वैसे. और ये हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, इट्स हार्डली 1.5 किलोमीटर्स आई गेस. सो लास्ट सैटरडे हम लोग आए थे विद आर नेबर. वी केम इन अ ट्रैम. बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि उतना भी दूर नहीं है, वी कैन आराम से वॉक एंड कम. मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगा. सो येस वी आर वॉकिंग ऑन आर वे, बस पहुँचने वाले. वाइल गोइंग बैक ऑल्सो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैंने दो बैग्स रखे हैं सो एक अंकित पकड़ लेगा एक मैं पकड़ लूँगी अगर ज़्यादा भारी भी हो गया सामान तो. सो बिफोर वी एंटर द ग्रीन मार्केट उसके बाहर आपको ऐसे मिल जाएगा यहाँ पे गडांस में जहाँ पे वेंडर्स डिफरेंट चीज़ें सेल कर रहे हैं जैसे कि कपड़े या कुछ हाउस होल्ड आइटम. यहाँ पे आपको इंडिया वाला फील आएगा जैसे इंडिया में भी रोड साइड ऐसे सेल करते हैं वेंडर्स राइट लोकल मार्केट में, तो वैसा ही यहाँ पे भी है. इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी. So this is the entrance to the market. तो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका मेन एंट्रेंस और एंटर करते ही ना आपको राइट साइड में और लेफ्ट साइड में दोनों शॉप्स दिखेंगे. तो स्टार्टिंग में तो यहाँ पे सारी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की शॉप्स हैं, जैसे इंडिया में सब्जी मंडी होती है ना तो वैसा ही कुछ आप समझ लो. यहाँ पे सुपरमार्केट के कंपैरिजन में कुछ चीज़ों के रेट्स यहाँ पे थोड़े कम हैं और यहाँ पे आपको काफ़ी फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिल जाएंगे. मैं प्रेफर करती हूँ कि एक ही वेंडर से सारा सामान न लूँ. सो फर्स्ट वाले वेंडर से मैंने कुछ अनियंस लिए थे, उसके बाद थोड़ा आगे जाके और ज़्यादा वेजिटेबल्स थे तो वहाँ पे से मैंने कैरेट्स और कुछ हर्ब्स लिए थे.
मोस्ट ऑफ द वेंडर्स यहाँ पे कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते हैं, दे आस्क यू फॉर कैश, और यहाँ पे हर जगह कैरी बैग्स जो है वो चार्जेबल है, सो वी मेक श्योर कि हम जहाँ भी जा रहे हैं अपने साथ कैरी बैग लेके चलें। नाउ मूविंग ऑन टू माई मोस्ट फेवरेट पार्ट, दैट इज बाइंग फ्रूट्स। अंकित को फ्रूट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हमारे फ्रूट्स बहुत लगते हैं घर पे। सो यहाँ पे मैं खरीद रही थी कुछ ब्लूबेरीज एंड देन आई ऑल्सो बॉट सम स्ट्रॉबेरीज एंड ग्रेप्स। यहाँ के लोग फ्रूट्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो आपको डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फ्रूट्स मिल जाएंगे। और मैंने एक चीज़ देखी है कि यहाँ पे जो फ्रूट्स होते हैं ना, उनके साइज़ काफ़ी बड़े होते हैं। अगर जैसे मैं ऑरेंज ले रही हूँ या एप्पल ले रही हूँ, तो उसका साइज़ यूजुअली बहुत बड़ा रहता है, विच इज़ वेरी फैसिनेटिंग। इस मार्केट में आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सो वहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमें पूरा ये एक क्लोथ्स वाला सेक्शन मिलता है, जहाँ पे आपको विंटर जैकेट्स, विंटर क्लोथ्स अभी जो सीजन में है वो दिखेंगे। यहाँ पे आके मुझे इंडिया का जो सरोजनी नगर और जनपद है उसकी याद आ गई, बिकॉज जब भी मैं दिल्ली में थी तो मैं वहाँ पे जाके काफ़ी शॉपिंग करती थी। बट यहाँ पे कपड़े उतने भी ज़्यादा चीप नहीं है, मैंने कंपेयर किया था, तो जो H&M के कपड़े हैं और जो यहाँ पे ये लोग रेट्स बताते हैं, इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर आई वुड से, बट क्वालिटी इज डेफिनेटली नॉट दैट गुड। इस बार हम लोग मार्केट में काफी अंदर तक गए टू एक्सप्लोर कि यहाँ पे और क्या क्या मिलता है। सो आई सॉ कि यहाँ पे काफी सारी चीजें और भी हैं, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स, और आपको दाल भी मिल जाएगी, जो पल्सेस होती हैं वो भी आपको लूज में मिल जाएंगी, एंड देन यू ऑल्सो फाइंड थिंग्स लाइक मशरूम्स एंड एग्स एंड ऑल ऑफ दैट। कुछ लोकल वेंडर्स यहाँ पे जैम्स और सॉसेस वगैरह भी सेल कर रहे थे। सिंस यहाँ पे मीट कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, तो कुछ शॉप्स में मीट भी आपको मिल जाएगा जो फ्रेश मीट होता है। उसके अलावा यू कैन फाइंड सम स्मॉल प्लांटर्स एंड फ्लावर्स, होम डेकोर आइटम्स एक्सेट्रा इन दिस मार्केट। सो डन विद द शॉपिंग, मैं अभी घर जाके आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। मेरे पूरे हाथ अभी फ्रीज हो गए, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है यहाँ पे, ऑलमोस्ट स्नोफॉल होने वाला है। सो वी आर रशिंग बैक होम इससे पहले कि स्नोफॉल हो घर पहुँच जाते हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। ही इज़ कैरिंग ऑल द स्टफ विद हिम उस साइड पे, थोड़ा बहुत सामान मेरे बैग में है, इतना ज़्यादा भारी नहीं था तो मैनेज हो गया, वॉक करके आराम से जा सकते हैं। तो चलो मैं आपसे मिलती हूँ घर जाके, क्योंकि मुझसे बिल्कुल बोला नहीं जा रहा है, टू कोल्ड। ओके, सो आफ्टर रीचिंग होम आई हैड टू क्लीन द किचन, क्योंकि मॉर्निंग में मैं सब ऐसे ही सामान फैला के चली गई थी, वी हैड टू लीव इन अ रश। सो घर आके मैंने पहले तो सारा किचन ऑर्गेनाइज किया, थोड़ा बहुत जो सामान था फैला हुआ उसको सही किया, एंड देन आई लोडेड द डिश वॉशर। उसके अलावा जो हाथ से धोने वाले बर्तन थे वो मैंने हाथ से धोए। आज हमें शाम को ओल्ड टाउन जाना है, सो आई थॉट कि मैं थोड़ा बहुत काम फिनिश करके चले जाती हूँ, अदरवाइज अगर रात में मैं घर आऊँगी तो ये सब मुझे फैला हुआ दिखेगा, सो आई विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड। तो हम लोग घर आ गए थे और उसके बाद इतनी तेज़ स्नोफॉल हो गई है ना यहाँ पे, लेट मी शो यू, पूरा वाइट हो गया बाहर, कैन यू सी, अभी मेरे ऊपर भी पड़ रही है क्योंकि मैं बालकनी में खड़ी हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एवर आई एम सीइंग इतना ज़्यादा स्नो, ये यहाँ की सेकेंड स्नोफॉल है मेरी, सो मैंने लाइफ में इससे पहले कभी स्नोफॉल नहीं देखी थी पड़ते हुए, आई मीन। सो लास्ट टाइम जब पड़ी थी यहाँ पे, फर्स्ट स्नोफॉल हुई थी वो देखी थी, बट वो इतनी ज़्यादा नहीं पड़ी थी। आज तो काफ़ी ज़्यादा है, देखो मेरे ऊपर भी सारा गिर रहा है स्नो, और पूरा वेदर ना इतना अमेजिंग हो गया है, मतलब ठंडा तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। लेट मी शो यू बाई फ्लिपिंग द कैमरा। और अब मुझे लग रही है ठंड, तो मैं जा रही हूँ अंदर। अंदर से बैठ के ना मन करता है कि बाहर देखते रहो इतना बढ़िया स्नोफॉल, बट बाहर जाओ तो बहुत ज़्यादा ठंड है। मेरा एक्साइटमेंट लेवल कुछ ज़्यादा ही था स्नोफॉल को लेके, बाहर मुझे बहुत ठंडा लग रहा था, सो आई जस्ट केम टू द बेडरूम, आई ओपन द कर्टेंस एंड आई वॉज जस्ट वॉचिंग आउटसाइड, इतना प्यारा व्यू था। देन आई ऑल्सो ओपन द बेडरूम का विंडो एंड आई वॉज जस्ट लुकिंग आउटसाइड एंजॉइंग द स्नोफॉल। सो इट वॉज अराउंड 2 PM एंड बोथ ऑफ अस वर हंग्री, सो आई जस्ट थॉट कि फटाफट से कुछ कम्फर्टिंग सा बना लेते हैं। आज मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था ना, तो दाल चावल खाने का मन कर रहा था, सो आई कुक सम बेसिक दाल एंड चावल, एंड साथ में मेरी सिस्टर इन लॉ का फ़ोन आ गया था, सो आई वॉज टॉकिंग टू हर आर नॉन एंडिंग गॉसिप्स, यू नो। Hi
गाइस, तो लंच करके अभी हम लोग निकल गए हैं बाहर। आज काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हो गई है, पीछे पूरा वाइट दिख रहा होगा आपको। सो आज वीकेंड है, सैटरडे है, पूरा पैक होके मैं निकल गई हूँ बाहर अंकित के साथ। सो अभी हम लोग जा रहे हैं ओल्ड टाउन, जो यहाँ गडांस का ओल्ड टाउन है, वहाँ। लास्ट वीक भी हम लोग गए थे वहाँ सैटरडे को, लेकिन थोड़ा लेट निकले थे, तो यहाँ पे ना बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। अभी 4 बज रहा है, बट आप देख सकते हो कि थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लग गया है। वैसे तो रात को बहुत प्रिटी लगता है वहाँ पे, क्रिसमस मार्केट लगती है और पूरी लाइटिंग होती है, बट मुझे अभी शाम वाला देखने का भी मन था, सो दैट मैं थोड़ा बहुत कैप्चर करके दिखा सकूँ अपनी वीडियो में। और देख रहे हो अभी भी स्नो पड़ रही है मेरे इस पर, आपको दिख रहा होगा। सो वी आर गोइंग इन अ ट्रैम, यहाँ पे हमारे घर के पास ही ट्रैम स्टेशन है, वहाँ से ट्रैम से जाएंगे हम लोग, क्योंकि बाई रोड बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी हो जाएगा और अभी स्नोफॉल हुई है तो वैसे भी रिस्की है थोड़ा। ट्रैम से इनफैक्ट बहुत ज़्यादा चीप पड़ता है उसका टिकट। यहाँ से मेरे ख्याल से ओल्ड टाउन तक का टिकट 4.5 zloty है, विच इज़ अराउंड 80 rupees, जो कि बहुत ही चीप है यहाँ के हिसाब से। और हाफ एन आवर में हम लोग पहुँच जाएंगे वहाँ, सो इट्स क्विक एंड इकोनॉमिकल। सो येस, वी आर गोइंग टू द ट्रैम स्टेशन एंड आई विल सी यू गाइज व्हेन आई रीच ओल्ड टाउन। So this is the old town of Gdansk. यहाँ पे हम लोग ट्रैम से उतरे एंड ओ माई गॉड, आई वॉज सो सरप्राइज टू सी सो मच क्राउड। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इंडिया में आ गई हूँ। फ्रॉम द टाइम आई हैव मूव टू पोलैंड, मैंने इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं देखी थी एंड सडनली मुझे इतने ज़्यादा लोग एक साथ दिखे, सो आई वॉज फीलिंग लाइक रियली क्लॉस्ट्रोफोबिक, और मुझे ऐसा लग रहा था कि इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे कैसे आ सकते हैं। बट देन आई रियलाइज दैट दिस इज़ ओल्ड टाउन एंड अभी क्रिसमस का सीज़न है, सो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। आई अनफॉर्चुनेटली कुडंट शूट मच बिकॉज जगह ही नहीं थी, इनफैक्ट चलने की भी जगह नहीं हो रही थी। इफ यू कैन सी, मैंने थोड़े बहुत क्लिप्स लिए हैं हेयर एंड देयर। एंड देन वी टुक अ वॉफल, वी एट दैट वॉफल एंड देन वी वेंट टू द मॉल नियर बाय। क्रिसमस मार्केट और वहाँ इतना रश था। एक तो आज वीकेंड है ना, तो आप देख रहे हो अभी तो हम लोग मॉल आ गए हैं, उसके जस्ट बगल में एक मॉल है तो वहाँ पे आ गए। वहाँ तो बिल्कुल चलने जैसा भी नहीं हो रहा था, इतनी ज़्यादा हॉच पॉच थी। सो हमने बस एक वॉफल खाया एंड देन वी केम टू दिस मॉल थिंकिंग कि यहाँ पे शायद थोड़ा बहुत ठीक होगा, बट यहाँ भी बहुत ज़्यादा रश है। लेकिन हम लोग इतना दूर आए हैं तो थोड़ा एक राउंड मार के जाते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। इट्स वेरी क्राउडेड बिकॉज ऑफ द क्रिसमस एंड द न्यू ईयर्स एंड पूरा फेस्टिव सीजन पूरा पैक्ड है यहाँ पे अभी। बिकॉज ऑफ द वीकेंड इवन द मॉल वॉज लाइक कम्प्लीटली पैक्ड, सो हम लोग वहाँ पे ज़्यादा देर तो नहीं रुके, वी जस्ट टुक अ राउंड। एंड थोड़ा सा आगे जाके ना मुझे यहाँ पे दो छोटे छोटे से डॉग्स दिखे, दे वर सो अडोरेबल, आई वॉज जस्ट अबाउट टू क्राई सीइंग देम एंड देन आई टुक अ पिक्चर एंड वी जस्ट रोम्ड अराउंड अ बिट। उसके बाद हम लोग वापस से आ गए थे ट्रैम से घर एंड देन वी वेंट आउट फॉर डिनर। आफ्टर फिनिशिंग द डिनर वी केम बैक होम, वी हैड एन अर्ली डिनर, हमने 6 बजे ही डिनर कर लिया था बिकॉज घर आके मुझे थोड़े बहुत और काम करने थे। सो आई लाइक टू कीप माई सैटरडेज वेरी प्रोडक्टिव एंड संडे इज़ कम्प्लीटली फ्री। मैं कोशिश करती हूँ कि सैटरडे नाइट को मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम खत्म करके सोऊँ, सो दैट संडे को सिर्फ मुझे कुकिंग करनी हो और बाकी मैं कुछ नहीं करूँ। सो आते ही सबसे पहले मैंने डिश वॉशर अनलोड किया, सारी चीज़ें अपनी जगह पर वापस रखी, सो दैट सुबह जब मुझे ब्रेकफास्ट बनाना हो तो आई डोंट हैव टू हसल मच। उसके बाद आता है मेन काम, विच इज़ ऑर्गेनाइजिंग ऑल द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर द अपकमिंग वीक। वी कंज्यूम अ लॉट ऑफ फ्रूट्स ड्यूरिंग द वीक डेज, तो मैं क्या करती हूँ कि सैटरडे नाइट को सारे फ्रूट्स जो भी हम लेके आते हैं उसको धो के अच्छे से ziploc bags में पैक कर देती हूँ। एंड ऑल्सो आई सॉर्ट ऑल माई वेजिटेबल्स, तो इफ़ यू कैन सी यहाँ पे आई एम जस्ट वॉशिंग ऑल माई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, देन आई विल ड्राई देम विद अ क्लॉथ एंड उसके बाद आई विल पुट एवरीथिंग इन ziploc bags एंड एयर टाइट कंटेनर्स। दिस इज़ अ ग्रेट वे टू सेव टाइम ड्यूरिंग द वीक डेज एंड ऑल्सो फ्रूट्स खाने में आलस नहीं आता है अगर वो ऑलरेडी आपने फ्रिज में धो के रखे हों तो।
किचन संभालना भी अपने आप में एक आर्ट है और मील प्रेप तो बहुत ही ज़्यादा टाइम सेव करता है। सो जैसे मुझे कल मॉर्निंग में स्ट्रॉबेरी स्मूदी बनानी थी, सो मैंने स्ट्रॉबेरीज को ऑलरेडी धो कर रख दिया है फ्रिज में। सो मॉर्निंग में आई विल जस्ट हैव टू टेक इट आउट, पुट इट इन द ब्लेंडर एंड माई स्मूदी विल बी रेडी। अंकित को ग्रेप्स बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं उसके लिए हर वीकेंड ऐसे फ्रिज में ग्रेप्स को वॉश करके और ड्राई करके रख देती हूँ। सो जब भी उसका मन करता है वो फ्रिज से निकालता है एंड ही कैन आराम से हैव इट इंस्टेड ऑफ हैविंग समथिंग विच इज़ अनहेल्दी। सो एज़ यू कैन सी मैंने सारी चीज़ें अच्छे से धो के फ्रिज में रख दी हैं। जो चीज़ें फ्रीज़र में जानी थी वो फ्रीज़र में रख दी हैं सो दैट आई कैन हैव ईजी एक्सेस टू देम ओवर द नेक्स्ट वीक। ओके सो फाइनली आई एम डन विद एवरीथिंग फॉर द डे एंड आई एम रेडी फॉर अ रिलैक्सिंग संडे। बट बिफोर आई गो टू स्लीप आई मेक श्योर कि मैं अच्छे से स्किन केयर कर लूँ, सब कुछ रिमूव कर लूँ जो भी मेरे फेस पे है एंड ऑल्सो आई मेक श्योर टू ब्रश माई टीथ। आई डू अ बेसिक स्किन केयर रूटीन बिफोर बेड, जस्ट अप्लाई सम मॉइस्चराइजर एंड लिप बाम एंड दैट्स इट। फाइनली इट्स टाइम टू हिट द बेड बट बिफोर दैट आई जस्ट लाइक टू रिलैक्स फॉर अ बिट। उसके लिए मैं जला लेती हूँ एक कैंडल। आई मेक माई बेड, टर्न ऑफ द मेन लाइट्स एंड टर्न ऑन द लैम्प। आई कीप माई फोन अवे, पिक अप माई किंडल एंड रीड अ फ्यू पेजेस ऑफ एनी बुक दैट आई एम रीडिंग एट द मोमेंट। एंड यही होता है मेरा एक बहुत रिलैक्सिंग सा नाइट रूटीन विच आई डोंट वॉन्ट टू मिस एट ऑल। थैंक यू सो मच फॉर स्टिकिंग बाय। आई होप यू लाइक द वीडियो। आई ट्राई टू शेयर एज मच एज पॉसिबल। इफ यू लाइक सच काइंड ऑफ वीडियोज प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, बाय।